एग भुर्जी का स्वाद तो आपने कई बार लिया होगा, क्यों ना इस बार एग मसाला ट्राई किया जाए। एग मसाला एक बहुत ही पॉपुलर डिश है और नॉनवेज खाने वाले इसे काफ़ी पसंद करते हैं। उबले हुए अंडों में कई तरह के मसाले डालकर इसे तैयार किया जाता है। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। एक पैन में तेल गर्म करें। यहाँ पे मैंने एक कास्ट आयरन पैन यूज़ किया है। जब तेल गर्म हो जाए तो उस तेल में आप जीरे का तड़का लगाइए। जब जीरा चटकने लगे तो आपने दो ओनियन स्लाइस करके इसमें ऐड करना है। ओनियन को हमको तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। हल्का भूरा होने तक हमें इसे कुक करना है। जब प्याज पिंक हो जाए तब इसे थोड़ा साइड में करके तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा मसाला ऐड कीजिए। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद प्याज को मिक्स कर लीजिए मसाले में। अब इसमें एक टमाटर स्लाइस करके ऐड कीजिए। आपने टमाटर को अच्छी तरह भूनना है। कवर करके तब तक पकाना है जब तक कि टमाटो सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। आप इसे स्पून से क्रश कीजिए और मसाले को एक पेस्ट की तरह से बना लीजिए। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। थोड़ी सी हरे धनिए की पत्ती ऐड कीजिए और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मसाला न जले इसीलिए थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ ऐड किया है। कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाइए। जब तेल ऊपर छूटने लगे तब आप इसमें बॉइल्ड एग को मिक्स कीजिए। यहाँ पे मैंने अंडों को बॉईल करके लेंथ वाइज कट किया है। बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसे मिक्स करना है वरना अंडे फूट जाएंगे। ऊपर से थोड़ा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कीजिए, हरे धनिए की पत्ती ऐड कीजिए। अब इसे 2 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने दीजिए। 2 मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए। यह बहुत ही लाजवाब और टेस्टी डिश है। आप चाहे तो इसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूले। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।